तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग आ चुके हैं ड्रैगन मानिया लेजेंड के साथ, और गाइस हम लोग एक नए ड्रैगन को हैच करने वाले जिसका नाम है द नाइट ड्रैगन। और गाइस ये ड्रैगन कोई ब्रीडेबल ड्रैगन नहीं है, ये एक भाई जो क्लैन इवेंट आया था, जो भी हमारे क्लैन में भाई लोग थे यार, उन सभी को मिला होगा और मुझे भी मिला है। भाई यार वीडियो को लाइक कर देना, काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना फ्रेंड्स। और भाई यार नाइट ड्रैगन का बेस्ट एलिमेंट कौन से मोड के लिए बेस्ट है? वैसे अनकॉमन है, और मैं पहले से बोलूँगा नहीं ये वीक है, ओवर पावर्ड है। तो चलो यार सबसे पहले इसे हैच करते हैं। ये रहा हमारा नाइट ड्रैगन, चलो हैच करते हैं भाई। अनकॉमन है और न्यू भी है, तो नाइट ड्रैगन है तो स्पेशल ही होगा। वैसे अनकॉमन हो, रेयर हो, एपिक हो, नाइट मतलब ही खतरनाक होता है, जो तलवारबाजी वगैरह करता है भाई। वैसे पावरफुल तो होगा ही शायद, मैं उम्मीद कर रहा हूँ भाई। यहाँ पे देखो गाइस, क्लैन ट्रॉफी से ये हमें मिला है, तो जितनी क्लैन ट्रॉफीज बढ़ेगी शायद उससे ये हमें मिलते रहेंगे क्लैन के ड्रैगन्स। चलो यार इससे थोड़ा सा गोल्ड लेते हैं। हमारा छोटा सा नाइट ड्रैगन, ये जब इसे फीड करेंगे ये बहुत बड़े साइज़ का हो जाता है भाई। ये जो बड़े 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 होते हैं ना, जो दो पैरों में खड़े होते हैं, ये वाला ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा मुझे बढ़िया लगता है। चलो एक काम करते हैं, इसे फीड करते हैं। अभी तक गाइस मैंने इसे 25 का कर दिया है, और गाइस ये अनकॉमन है तो इसलिए मैं ज़्यादा फूड इसे फीड नहीं करूँगा, क्योंकि देखो यार अनकॉमन है, अनकॉमन को कौन इतना देता है। चलो यार अब थोड़ा सा इससे गोल्ड लेते हैं, इसके बाद हम लोग ट्रेनिंग भी करवाएंगे। ये वैसे मारता है एनर्जी और मेटल एलिमेंट मारता है ये, तो सही है भाई, अनकॉमन होकर दो एलिमेंट मार रहा है। और भाई यहाँ पे ट्रेनिंग टाइम आ चुका है, चलो ट्रेनिंग करवाते हैं इसे। तो गाइज यहाँ पे हमने परफेक्ट ट्रेनिंग जीरो मिस के साथ करवा दिया। अब भाई कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए हमारे नाइट ड्रैगन की, द नाइट ड्रैगन की भाई अटैक पावर वगैरह थोड़ी सी बढ़ चुकी है, तो अब वो बैटल भी अच्छे से खेल पाएगा। वो भाई साहब इवेंट हैज़ एंडेड भाई, जो सिगिल कॉन्टेस्ट चल रहा था वैसे वो एंड हो गया। मैंने सिगिल कॉन्टेस्ट में वैसे ज़्यादा कंसनट्रेट नहीं किया, जिससे कि मुझे अच्छा खासा रिवॉर्ड मिला, इसलिए भाई कम रिवॉर्ड मिला। तो भाई कोई नहीं, यहाँ पे गाइस थोड़ा सा गोल्ड लेंगे। और हाँ गाइस एक और बात, तुम्हारा भाई यार फाइनली 100 लेवल का हो चुका है, तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है यार। कल ही जस्ट पहुँचा था मैं लेवल 100, कल रात को पहुँचा था, और भाई आज सुबह सुबह ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलो यार यहाँ पे फूड भी ले लिया, और भाई क्या करना बाकी है देखते हैं। और भाई साहब एनचेंट चेस्ट तो नहीं खोलना, यहाँ पे ये कार्ड पैक भी नहीं खोलना। वो भाई साहब इवेंट में चलते हैं, थोड़े से डाइस वगैरह हम लोग रोल करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। चलो भाई यहाँ पे एक लेजेंडरी चेस्ट है, एपिक चेस्ट है और रेयर चेस्ट है। मुझे वैसे चाहिए एपिक चेस्ट, एपिक चेस्ट से ये मिल रहा है, ये जो देखो कुछ ये मटेरियल जिससे कि कुछ रिडीम कर सकते हैं। और देखो यार लेजेंडरी चेस्ट में एक एंशिएंट के शार्ड मिल रहा है, और भाई मुझे वो जो ट्रिंकलेट्स है वो मिल रहे हैं एनचेंट मटेरियल। तो यार सबसे पहले यहाँ पे एक लेजेंडरी का ले लेते हैं, और एक दो का करेंगे। यहाँ पे दो तीन की चाहिए एक चेस्ट खोलने के लिए, और एक डाइस रोल करेंगे। यहाँ पे 3 पॉइंट्स चलेंगे, नहीं या फिर यहाँ पे रीरोल कर लेंगे। और यहाँ पे और एक 1 की हो चुका है रेयर चेस्ट का, और यहाँ पे एक एपिक चेस्ट खोल लिया। ये मटेरियल मिल रहा है भाई, ये मटेरियल मिलना लिटरली भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है भाई साहब, मैंने अभी तक तो देखा नहीं। हाँ देखा था, मैं भूल गया भाई, बहुत ज़्यादा मटेरियल्स चाहिए एक ड्रैगन को रिडीम करने के लिए। और भाई यहाँ पे 2 एपिक चेस्ट के लिए कीज़ मिल गए और 3 हो गए, और एक खोल लिया ये मटेरियल, और एक मिल गया। चलो और एक भाई साहब रोल करते हैं, और अगर मैं 6 की चाल चलूँगा यहाँ पे गाइस 140 पॉइंट्स भी मिल गए। यहाँ पे मुझे 2 रेयर चेस्ट के कीज़ मिले, और लास्ट की चाहिए मुझे रेयर चेस्ट के लिए, खोल लिया। और भाई ये रेयर चेस्ट से देखो गाइस कुछ खास तो नहीं निकल रहा, और भाई ये ही निकल रहा है। ओ भाई साहब अर्थ स्पिरिट ड्रैगन, वैसे ये लेजेंडरी है। जैसे लास्ट 2 इवेंट की बात करें यार, पीच ड्रैगन आया था और भाई फेरी ड्रैगन भी आया था, तो वैसे ये है। तो एंशिएंट चेस्ट खोलते हैं, मेरे पास शायद कुछ पड़े हुए थे, और यहाँ पे मैंने 10 खोले, 24 थे शायद मेरे पास।
यहाँ पे क्या अर्थ स्पिरिट ड्रैगन का भी निकल गया भाई। कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, या क्या आप क्लोज हो अर्थ स्पिरिट ड्रैगन के लिए, क्योंकि भाई ओनली 100 पीसेस चाहिए और किसी भी बंदे को मिल जाएगा वो। तो भाई यार एक लेजेंडरी जीतने का चांस है सभी के। और गाइज लो गाइज हमारे 6 पीस भी हो गए अर्थ स्पिरिट ड्रैगन के, सही है। और भाई या और भी भाई 24th है, हाँ 20 तो खोल लिया और लास्ट 4 खोलते हैं। VIP निकला और ये पॉइंट्स। तो गाइज यहाँ पे जो मेरे पास पॉइंट्स हैं मैं वैसे वो बाद में रिडीम करूँगा। वैसे यार देखो अपना यार होप टूट गया इस इवेंट से, क्योंकि देखो यार तुम्हारे भाई को सच्चाई बताऊँ तो यार कोई एंशियंट उन्सेंट नहीं मिलने वाला, क्योंकि भाई मैंने पोकरा के पीछे पॉइंट्स खर्च कर दिए। वैसे यार देखो बहुत ही बड़े प्लेयर को मिलते हैं एंशियंट, और जो भाई ज़्यादा ही पे टू विन करते हैं, ज़्यादा ही पैसा लगाते हैं उन्हें ही मिलता है, वो भी कम लेवल में एंशियंट। तो यार आप लोग यार ये उम्मीद छोड़ दो कि तुम्हारे भाई को यार एंशियंट मिलेगा, ये मिल जाएगा, पुकरा मिल जाएगा, होमी मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा भाई। 500 पीस कहाँ से आएगा भाई तुम्हारे भाई के पास। तो यार और कभी तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा, अपना टाइम आएगा। तो यहाँ पे बैटल में आ चुके हैं, थर्ड नंबर पर कौन सा लेंगे, नाइट ड्रैगन ले लिया है। थर्ड नंबर पर पम्पकिन लेंगे, चलो एक यूनिक ड्रैगन ले लिया है। अब यहाँ पे गए जायरन कास्ट को मारते हैं। ये देखो गाइस एक अनकॉमन ड्रैगन होकर 9600 का डैमेज दे रहा है, तो काफ़ी बढ़िया है। और आयरन कास्ट की तो हालत ही ख़राब कर दी, वैसे वो एपिक भी था। और भाई आप बोलोगे यार इसका एलिमेंट का जो भारी पड़ रहा था इसके ऊपर, हाँ भाई भारी पड़ने से भी एक अनकॉमन इतना भी डैमेज नहीं देता, मैंने नोटिस किया है। वैसे रेयर दे सकता है, अनकॉमन उतना नहीं दे सकता। ये देखो गाइस एक परफेक्ट हिट में इसने 9.9K डैमेज दिया और ये बैटल हम लोग जीत चुके हैं। तो इसके बेस्ट एलिमेंट की भी बात करेंगे। बेस्ट एलिमेंट मुझे इसका इसके नेक्स्ट बैटल में मैं आपको बताऊंगा, उसके नेक्स्ट बैटल में मैं आपको बेस्ट मोड भी बताऊंगा इसके लिए। चलो यार अगले मैच में आ चुके हैं, यहाँ पे मेटल अटैक मारा हमने ब्रिक ड्रैगन को। हाँ गाइस इसके बेस्ट एलिमेंट की बात चल रही थी, तो यार देखो इसका बेस्ट एलिमेंट मुझे लगता है भाई एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी इसका बहुत मतलब सही लगता है, बहुत ज़्यादा डैमेज इसका ज़्यादा एनर्जी का। और भाई ये देखो यहाँ पे मेटल मारा, देखो यार इसके मेटल अटैक से 6000 का डैमेज जा रहा है। वैसे अगर मैं यहाँ पे एनर्जी मारता वो कम वीक पड़ता सामने वाले ड्रैगन पर, उसमें तो यार 4000 का ही डैमेज देता, 2000 का जाता। तो यार मैं बोलता हूँ इसका बेस्ट एलिमेंट है भाई एनर्जी, और सेकेंड नंबर का एलिमेंट है मेटल, और ये एक अटैकर टाइप ड्रैगन है। वैसे अनकॉमन में आप अटैकर सपोर्टर कुछ मैटर नहीं करता, वैसे वो अटैकर ही होते हैं ज़्यादातर, डिवाइन वगैरह में, वाटर वगैरह में, एपिक वगैरह में होता है भाई सपोर्टर वगैरह, पर इसमें ये एक अटैकर है और काफ़ी सही अटैकर है अनकॉमन के हिसाब से। मैं एपिक से कंपेयर नहीं कर रहा भाई, अनकॉमन के हिसाब से बहुत ज़्यादा सही ड्रैगन है यार। अनकॉमन बनाया है पर इसे शायद रेयर तो बनाना ही चाहिए था, काफ़ी सही ड्रैगन है। उसका बेस्ट मोड की बात करें, इसका बेस्ट मोड है बैटल्स और डुनगियंस, मैं एरिना नहीं बैटल्स और डुनगियंस की बात कर रहा हूँ। चलो यार आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ऐसी वीडियोस हर रोज़ देखना चाहते हो यार सिंपल चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी ऑल कर देना, वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और गाइज ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहना तुम्हारे भाई को।